उड़ीसा के हमारे सभापति समीर भाई और यहाँ हमारे सभी नेतागण और प्रेस के मित्रों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर लगातार 9 वर्षों तक देश की जनता के बीच में भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और 9 वर्षों में हमने इस देश में देश के लिए, देश के जनता के लिए और दुनिया के लिए एक नया स्थान इस रूप में बनाया है कि देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और साथ ही साथ दुनिया के नजरों में भारत सशक्त भारत के रूप में उभर कर अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रगति का एक नया आयाम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रवास किया है, जन आकांक्षाओं को समझकर उस पर फैसला किया है और उन कार्यों को गति देकर देश में सर्वांगीण विकास के लिए देश के जनता का आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसी लक्ष्य को लेकर हम इस देश में देश के समस्त जनता ने अमृत महोत्सव को मनाते हुए नए संकल्प के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल का पहला बजट देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत करते हुए न केवल आगामी वर्षों के लक्ष्यों को निर्धारित किया है बल्कि उसके साथ साथ भारत के भविष्य को रेखांकित किया है कि हमारी संभावनाओं को हम इस देश के अंदर आगे बढ़ाते हुए 2047 तक देश पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बने, डेवलप्ड नेशन बने, ये लक्ष्य न केवल इस बात को उद्धृत करता है, बताता है, बल्कि एक गवर्नेंस के नए मॉडल के साथ भारत को विश्व में अपने पहचान के साथ बढ़ने का अवसर, भारत के शक्ति और क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का संकल्प और भारत के तमाम नागरिकों के अंदर जो ताकत है, ऊर्जा है, उसका वास्तविक
उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हम कर सके और देशवासी इसी संकल्प के साथ अब इस बजट को न केवल सराहा है, न केवल अपने लिए उपयोगी बताया है, बल्कि देश की जनता ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया है और इसलिए इस बजट में हम सब ने अपने आदिकाल की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो सप्त ऋषि का जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके साथ वर्गीकरण करते हुए क्लासिफिकेशन करते हुए कि कैसे हम प्रायोरिटीज 7 प्रायोरिटीज तय करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। जब अब हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर क्या स्थिति है, दुनिया में आज कोविड जैसे महामारी, युद्ध, यूक्रेन रशिया वॉर जैसे विभीषिका से गुजरते हुए वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। हम इस देश में ऐसे परिस्थितियों से उभर करके आज देश को किस तरीके से 10वें स्थान से बाहर आकर हम 5वें दुनिया का बेहतर अर्थव्यवस्था, सशक्त अर्थव्यवस्था, पावरफुल इकोनॉमी के रूप में भारत अपने आप को प्रस्तुत किया है। जब हम 80 करोड़ जनता को फूड ग्रेन उपलब्ध करा रहे, कोविड के ऐसे समय में देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार इस तरह से बीमारियों से उलझकर जीवन यापन में कठिनाई महसूस ना करे, इसके लिए 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का और अभी प्रेजेंट में भी 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय परिवारों को हम पुनः वह राशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वहीं आप जानते हैं कि कोविड जैसे महामारी में हमने इनोवेशन को बढ़ावा दिया और इनोवेशन को बढ़ावा देकर अपना वैक्सीन तैयार किया और उस वैक्सीन से 220 करोड़ डोसेज लोगों तक पहुंचाने का सफलतापूर्वक, जिसके कारण आज देश सुरक्षित महसूस कर रहा है और हम कोविड से लड़ने में सक्षम हो पाए। आप सबको जानकारी होगा कि दुनिया के कई देश अभी भी उलझे हुए हैं। पड़ोसी देश चाइना की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। दुनिया में स्लो डाउन है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों के लिए माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है कि आने वाले दिनों में हम देश के उन सारे संभावनाओं को अच्छे ढंग से उभारते हुए
सशक्त भारत की बुनियाद को और मजबूती दे। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जहां पिछले 9 वर्षों में 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए, उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 47.8 करोड़ जनधन खाताएं खोली गई, 2014 से 2022 के बीच में अगर आप देखें ईपीएफओ के जो सदस्यता प्राप्त यानी जिसको एम्प्लॉयमेंट हुआ उसकी संख्या 27 करोड़ पार कर चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ प्रत्यक्ष रूप से उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से कैश ट्रांसफर किए गए। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में देश में जो आधारभूत बुनियादी विकास के लिए जो प्रयत्न प्रारंभ हुआ उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जहां अटल जी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इनलैंड वाटरवेज जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं देखने को मिली, इस समय में देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम जोरों से चल रहा है, चाहे वो अरुणाचल में जाए, चाहे आप हिमाचल में जाए, चाहे मिजोरम में जाए, चाहे नागालैंड में जाए, चाहे त्रिपुरा में जाए, सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कार्य तेजी से आगे बढ़े हैं। और भारत सरकार आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दी है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उनके विकास के लिए जो मंत्रालय है उसका गठन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कल्पना की थी उसका साकार रूप आज देखने को इन आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट के माध्यम से दिख रहा है। ट्राइबल अफेयर्स के कार्यक्रम में यदि हम इस बजट में देखें तो गुणात्मक वृद्धि ट्राइबल डेवलपमेंट के नाते की गई है। महत्वाकांक्षी योजना के रूप में एक प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए पीएम पीबीटीजी मिशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। मैं कुछ दिनों पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स के कुछ एरिया में उड़ीसा में भी आया था, जुआंग कम्युनिटी के गांवों को देखा, इसके अलावा भी कई गांवों को देखा, वहां आधारभूत संरचना की भारी कमी रही। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन का दौरा हुआ, नीति आयोग का दौरा हुआ, नीति आयोग के चेयरमैन आए, हमारे सेक्रेटरी आए और उड़ीसा में भ्रमण करते हुए देश भर के लिए पीएम पीबीटीजी प्रोग्राम को माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया। यह 3 वर्ष का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से पीबीटीजी के जितने भी ऐसे जो अन्य क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं उन सारे कार्यों को वहां तक पहुंचाना है। उसी तरीके से हेल्थ में नागपुर से लेकर उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों तक एक लगातार समस्या रही है, जनजाति क्षेत्रों में खासकर सिकल्स एनीमिया का, उसका इराडिकेशन के लिए एक मिशन मोड में जिसमें 7 करोड़ डेटा बनाए जाएंगे, प्रोफाइल बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन करते हुए इस बीमारी को 2047 तक समाप्त करना इस देश से, ऐसा संकल्प लिया गया। आपको
ट्राइबल अफेयर्स के मामले में बता दें कि जो हम एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें उड़ीसा को हमने 90 से अधिक विद्यालय दिया है, उसमें अब शिक्षक नियुक्ति के लिए 38,800 टीचर रिक्रूटमेंट के लिए माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में घोषणा किया। अब उसके नियुक्ति हो जाने से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, सीबीएसई पैटर्न में शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप नेशनल लेवल में बच्चे तैयार होंगे और 3.5 लाख पूरे देश भर में इन स्कूलों के विद्यार्थी स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें गर्ल्स को बॉयज को दोनों को समानुपातिक ढंग से प्रत्येक स्कूल में, यानी पहले 240 स्ट्रेंथ था, अभी उसका स्ट्रेंथ 480 कर दिया गया। तो इस तरीके से एक बड़ी लागत की स्कूल देश भर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए बनाई जा रही। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था, अब वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट था गवर्नेंस का, अब 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उद्धृत करते हुए बताते हुए कहा है कि वहां पर सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम जैसे मूलभूत आवश्यकता के चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा, पूरा कराया जाएगा। तो इस तरीके से भारत सरकार एक मिशन मोड में कार्यक्रम चला रहे। मैंने आपको उल्लेख किया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने घोषणा में भारत सरकार के पूरे प्रगति के बारे में खाका खींचते हुए इंडिया एट 100 का उन्होंने एक नारा दिया कि हम 100 साल पूरा करते समय कैसा देखना चाहते हैं, और उसमें हमें सभी वर्गों को लेकर बजट में हमने इसीलिए विशेष तौर से किसानों का, फार्मर्स, यूथ, ओबीसी, एससी, एनएसटी को विशेष तौर से प्राथमिकता दी गई है कि हमारा जो बजट का जो मूल अवधारणा है उसमें ह्यूमन कैपिटल को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आगे बढ़ा सके, और ये सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में, सभी इलाके में, सभी राज्यों में ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है। और इसी तरीके से किसानों के बारे में हमने बात किया, इसी तरीके से ओबीसी के बारे में बात किया, इसी तरीके से एससी एसटी के बारे में हमने बात किया। ये बात सही है कि दुनिया में इस समय जहाँ कोविड के वजह से स्लो डाउन है, वैसे स्थिति में भारत एक ब्राइट स्टार के रूप में सामने आ रहा है, और जो हमारा करंट ईयर का जो एस्टिमेटेड बजट है उस बजट के अनुसार, और जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार, जो हमने जीडीपी में जो एक टारगेट रखा है, और पिछले वर्षों में भी जो हमने देखा कई तुलनात्मक तरीके से, जो बाकी देशों के बारे में यदि हम देखें, चाहे वो जो भी जापान हो, कनाडा हो, यूएस हो, फ्रांस हो, यूरोपियन यूनियन हो, या और भी कई कंट्री है जिसका ग्रोथ रेट अगर हम आईएमएफ के डेटा को देखें तो उसके डेटा के अनुसार कोई 1.8, कोई 1.5, कोई 1.4 इस लेवल पे रहा, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट की संभावना आईएमएफ ने भी कहा है कि 7% होना चाहिए। तो हमारी इकोनॉमिक जो
मैनेजमेंट है, इकोनॉमी के जो मैनेजमेंट है, अर्थव्यवस्था का जो प्रबंधन है बहुत उत्तम कोटि का है, और इससे हमारे यहाँ पर विकास के कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। हमने सभी राज्यों के अंदर में भी, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को कहते कि हमें राज्यों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये समय है जब हम भारतवासी इस तरह के एक अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है। G20 का अध्यक्षता एक तरीके से भारत को दुनिया के सामने एक अवसर देता है, और उस अवसर को माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत अच्छे ढंग से दुनिया के सामने रखने का काम किया है कि G20 में हम केवल एक औपचारिक बैठकों का दौर नहीं, बल्कि एक भारत के लिए भविष्य का निष्कर्ष निकालें, देश के समस्त क्षेत्रों को दुनिया भी जाने, और हम अपनी संभावनाओं को, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को भी हम अच्छे ढंग से इनकेस कर पाए। और इसलिए 200 से अधिक बैठकें हो रही है, 56 से अधिक स्थानों में, और देश भर के सभी राज्यों में ये बैठक चल रही है। तो G20 के बैठक से हमें एक नए तरीके से भारत को दिखाने का और समझने का मौका मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी में, जैसे हमने कहा कि अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, यदि इस तरह की रफ्तार रही तो हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया का बनने में सफलता अर्जित करेंगे, और ये हमारा लक्ष्य है। 9 वर्षों में यदि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं तो आगामी दिनों में हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, और ये हमारे बीच में संभावना है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, ये जो बजट है, न केवल एक आगामी वर्षों में हम आय और व्यय के दृष्टि से, बल्कि हम एक नए लक्ष्य को, नए भारत को गढ़ने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो वैसे समय में हमारे सामने और दुनिया के सामने में भी एक नया मॉडल प्रस्तुत करते हुए कि भारत किस तरीके से इस सप्त ऋषि के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमने कहा है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक इंपावरमेंट की बात हम जब करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं, तो इसमें सीधे तरीके से ये बात ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये जोड़ते चले गए। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया तो कहा सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, उसके साथ सबका विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद अब सबका प्रयास होना चाहिए कि हम सबको मिलकर के इस देश के इकोनॉमी में, इस देश के डेवलपमेंट में, इस देश के विकसित राष्ट्र बनाने में हम सबका कंट्रीब्यूशन कैसे हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और उसी कड़ी में हमें हर तबके के लोगों को, और आपने देखा होगा कि एक स्पेशल अटेंशन लोगों का हो दिव्यांग के बारे में, दिव्यांग के बारे में उन्होंने फोकस किया कि दिव्यांग में भी पोटेंशियल है, दिव्यांग को इतना अधिक महत्व तो मिला, जिसके कारण आज आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां हमें देखने को मिल रही है। उसी तरीके से कम्युनिटी वाइज भी अगर देखा जाए, फार्मर कम्युनिटी है, वुमेन कम्युनिटी है, इसी तरीके से
ओबीसी कम्युनिटी है, इकोनॉमिक वेकर सेक्शन कम्युनिटी है, एसटी एससीज है, जो भी अंडर प्रिविलेज के तरीके से है, उस पर फोकस कैसे बढ़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, नए तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ का क्षेत्र को आकलन किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि लेह लद्दाख में एक नए तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में हमारा फोकस है, इस बजट में उसमें महत्व दिया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये हमारा एक बहुत बड़ा कार्य योजना है। अभी मिसमैनेज, किसान प्रबंधन नहीं कर पाता, फार्मर सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाता है कई चीजें। अब उसको वेदर फोरकास्ट की सही सूचना, खाद्य फर्टिलाइजर का यूज किस तरीके से करें, उसके डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के खेती करना, ऑर्गेनिक तरीके से वो कैसे कर सकता है, उसको आगे बढ़ाना, तो एक ओपन सोर्स कैसे बने, इसकी चिंता इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से की गई है। प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा हम क्लस्टर बेस्ड में चेन अप्रोच के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाएं, और साथ ही साथ इस तरह के क्वालिटी प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं, ताकि वर्ल्ड मार्केट में हम अच्छा स्थान बना सके, इसका प्रयास हो रहा है। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को बूस्ट करने का, एक डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करने का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम और अधिक बढ़ाएं, और स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आपको खुशी होगी कि भारत के निवेदन पर इस वर्ष को दुनिया ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया, और उसका नाम श्री अन्न भारत सरकार के तरफ से रखा गया है, कि जो मिलेट है वो हमारे गांव की बड़ी संपदा है, रूरल एरिया की बड़ी संपदा है, उसका उत्पादन, और दुनिया को भी बताया कि मिलेट में कितनी ताकत है, तो ये मिलेट वर्ष को भी प्राथमिकता दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद सेंटर फॉर एक्सीलेंस हो, इसके बारे में हम लोगों ने इस कार्य योजना में सम्मिलित किया है कि उसको और अधिक कैसे बढ़ाया जाए और इंडिया को मिलेट हब कैसे बनाया जाए।